हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ ढोकला। तो ढोकले के लिए मैंने आधा किलो बेसन ले लिया है, ये 2 पैकेट इनू हैं, और ये नमक, ये लेमन जूस, ये राई, और ये हरी धनिया, और ये हरी मिर्च पीस से कटे हुए, ये तेल है, और ये चीनी है। तो चलिए हम अपने ढोकले का बैटर रेडी कर लेते हैं। तो चलिए हम अपना बैटर रेडी करना शुरू करते हैं। तो मैंने ये 3 ग्लास पानी ले लिए हैं, हमें पानी थोड़ा थोड़ा डालना है। हमें इसमें धीरे धीरे पानी डाल के फेंटते रहना है ताकि इसमें गुठली ना आ जाए। अभी इसमें थोड़ा और पानी डालेगा। देखिए हमारा बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है। हमें इस कंसिस्टेंसी का बैटर चाहिए, तो अब हमें इसको 20 मिनट के लिए रेस्ट पर रखना है। देखिए अब हम इसको 20 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। मैंने कढ़ाई को गैस पर चढ़ा दिया है, इसमें पानी डाल के हम पानी की स्टीम से अपने ढोकले को बेक करेंगे। तो देखिए 20 मिनट बाद हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें अब इनो डाल देंगे। दो पैकेट इनो लिए हैं मैंने। हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। इनो डालने के बाद हमें फ़ौरन ही बेक करना है, इसको छोड़ना नहीं है। देखिए इनो मिक्स करने के बाद हमारा ये बैटर कितना फ्लफी हो गया है। अब हम अपनी थाली को ग्रीस कर लेंगे। तो चलिए हम इसको ग्रीस कर लेते हैं। देखिए मैंने थाली में ऑयल अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब हम इसमें अपना बैटर डाल देंगे। देखिए हमारा बैटर बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसको बेक करने चलेंगे। अब हमारे पानी में अच्छे से स्टीम आ चुकी है। अब हम इसमें अपनी थाली को प्लेस कर देंगे। अब हम अपने बैटर को बड़ी सी थाली से ढककर रख देंगे। अब देखिए मैंने पतीले को गैस पर रख दिया है। मैं इसमें 4 स्पून ऑयल डालूंगी। अब हमें इसमें 1 और आधा चम्मच राई डालना है। उसके बाद हमें इसमें कटे हुए हरी मिर्च डालने हैं। अब हमें इसको अच्छे से चला लेना है। अब हमें इसमें 2 ग्लास
पानी ऐड करना है। उसके बाद हमें इसमें एक बोल शुगर ऐड करना है, चीनी। अब हमें इसको अच्छे से पका लेना है। और अब हमें इसमें आधा चम्मच नमक डालना है। देखिए हमारा ढोकला बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको पलट लेंगे। ये देखिए हमारा ढोकला बिल्कुल पलट चुका है और देखिए कितना स्पॉन्जी है। तो चलिए अब हम अपने ढोकले को कट कर लेते हैं। तो देखिए हमारा ढोकला जो है कितना स्पॉन्जी है। तो देखिए हमारा शीरा भी बिल्कुल रेडी है। जब ये ठंडा हो जाए तब हमें इसमें नींबू का रस डालना है। तो देखिए हमारा खट्टा मीठा शीरा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको अपने ढोकले पे डाल देंगे। अब देखिए हमारा ढोकला बिल्कुल रेडी है। हम इसको लास्ट में हरी धनिया से गार्निश कर देंगे। तो देखिए हमारा ढोकला खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करिए और कमेंट मुझे बताइए कि आपको मेरा ढोकला कैसा लगा। थैंक यू सो मच गाइज़।